मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस के टुकड़ियाँ सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं DGP था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को पूरी मदद करें। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल था, एक डॉन था, एक माफिया था और उसकी मौत पर कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं करने की आवश्यकता है। उसकी एक नेचुरल मौत हुई होगी या हार्ट अटैक के द्वारा हुई होगी और इसमें बहुत सारी स्थितियों को समझने और करने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों को फैलने नहीं दिया जाना चाहिए। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, वही हमारे हाल पर। उमर जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल होगा, कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? सुबह होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गांव है और परिजन है। अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है, हम ही लेकर कोई और। क्या स्थिति है सौ को देखने के बाद? देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या नहीं न्यायालय में बता रहे हैं? जी जी जी, माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया पुलिस का रिपोर्ट बनाने में क्या बिगड़ी सीबीआई गवर्नमेंट की मार थी। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा, डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की और उसका आलम यह है कि आज प्रशासन सौ को सपोर्ट करने को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ। सौ में कुछ संदिग्ध समझ में आया? सौ को देखकर किसी तरह का संदेह? मैंने चेहरा देखा है सिर्फ जी, जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात की हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ क्या शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं है, घर के बड़े बड़े जो है अफजाल बाबा हाँ, उनकी बात हुई, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं, अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको
पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा प्रशासन, कब तक सुबह होगा? कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे।